सीएसके की टीम के धाकड़ खूंखार विस्फोटक गेंदबाज और ऑलराउंडर बल्लेबाज कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा का आया तूफान। आरसीबी के गेंदबाजों को जमकर के धो दिया। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी आरसीबी के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा करके रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से सीएसके और आरसीबी के बीच घातक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। यह पहला आईपीएल का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, काफी ज्यादा घातक और बिल्कुल साक रोक देने वाला मुकाबला था। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी आरसीबी के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाज ने सोचा कि महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा को 100 रनों के भीतर ही ढेर कर देंगे, सभी को पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन शायद उनकी सोच उन्हीं पर हावी हो गई। सबसे पहले सीएसके की तरफ से घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के उतरे, जहां पर चौके से शुरुआत की। लेकिन ज्यादा देर तक सीएसके के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और कोई 14 तो कोई 23 कोई 12 रन पर आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आरसीबी के होश उड़ गए। कई आरसीबी के गेंदबाज ऐसे थे जो महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा का बल्ला चेक करने के लिए बार बार जा रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी 43 रन बनाने के बाद आउट हो गए तो रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों के होश ही उड़ा दिए। यहां पर कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आरसीबी के कप्तान सोच में पड़ गए। खुद विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सीएसके के घातक खुखार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए, जहां पर बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने यहां पर 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की तोड़ चौके जड़ दिए। यह जो पहला आईपीएल का मुकाबला है वो सीएसके की टीम ने अपने नाम कर लिया और आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल एक वार्म अप मुकाबला था, अभी मुकाबला होने में बस 2-4 घंटे का समय रह गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।